हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरे आगरा ट्रिप का डे 2। आज हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बुलंद दरवाजा। मैं आई हूँ फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई देखकर ही हम लोग डर गए थे, क्योंकि इसमें इतनी स्टेयर्स हैं कि बच्चे चलने में बहुत परेशान करते हैं। एक बारी में ऊपर तक चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत धीरे धीरे संभल के चढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप गिरे तो बिल्कुल आप नीचे पहुंच जाएंगे। तो बहुत संभल के चढ़ना पड़ता है। मीनार पे जो आपको ऊपर की तरफ ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, वो डॉट्स नहीं हैं, वो है मधुमक्खी के छत्ते। ऊपर आपको कई तरीके की चीज़ें बिकती हुई मिल जाएंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कार पार्किंग की, कहाँ से हम लोग चल कर आए हैं। सफ़ेद रंग की मीनार जो आपको अभी दिख रही है, वो है अकबर के गुरु बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसकी खुशी में उन्होंने ये सारे किले को बनाया। दरगाह के अंदर चादर चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं और बांधे जाते हैं मन्नत के धागे। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ कुछ खूबसूरत नजारे। पत्थरों पे की गई नक्काशी अपने आप में देखते ही बनती है। ये शायद आपको वीडियो में उतनी सुंदर ना लगे, बट सामने से ये बहुत खूबसूरत लगती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आप व्लॉग्स देखना चाहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ दिल्ली वापस घर। बाय। अब मैं पहुंच गई हूँ मेरे घर। रात के 8:30 बज चुके हैं। एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, इस तरीके की छोटी छोटी हॉलीडेज पे ज़रूर जाइए। देखिए, हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस हो चुका है ना कि धीरे धीरे ही हम उसे कम कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी हॉलीडेज होते हैं ना, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो हॉलीडेज ज़रूर जाइए, बड़ी बड़ी पे मत जाइए, वीकेंड ट्रिप ज़रूर लगाइए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।